कि एफसीएम में 6% फैट और मिनिमम 9% एसएनएफ होता है। अब लोग ये कहेंगे कि ये एसएनएफ क्या होता है, फैट तो हर व्यक्ति जान जाएगा कि ये चिकनाई होती है या घी कहिए या मक्खन कहिए, उसके अंदर जो दूध के अंदर होता है वो होता है। एसएनएफ क्या चीज़ होता है, दूध में तीन तत्व मेनली आप मेजर समझ लीजिए कि एक तो हो गई, एक तो मेजर मात्रा में पानी होता है उसके अंदर, जो एनालिटिकल उसकी कैलकुलेशन है उसमें दूध में पानी की मात्रा होती है। इसके बाद उसमें 6% भैंस में 6% फैट और गाय में 3.5% 3.5% से लेकर 4% तक गाय में फैट होती है। एसएनएफ जो है भैंस में लगभग 9% से थोड़ा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो 9% के आसपास एसएनएफ क्लोज करता है और गाय में 8.5% तक एसएनएफ रहता है, इतना उसके प्रोडक्शन में फर्क होता है। अब जो ये पैकेट मार्केट में आते हैं तो इनमें आप देखिए पैकेट को गौर से पढ़िए कि उसमें कितना है, उसमें लिखा रहेगा जो भी पैकेट होगा, एफसीएम होगा तो एफसीएम का लिखा रहेगा और स्टैंडराइज मिल्क होगा तो उसका लिखा रहेगा, टोंड मिल्क होगा तो उसका लिखा रहेगा, डबल टोंड होगा तो उसका लिखा रहेगा। तो ये जो है एफसीएम 6% और 9% एसएनएफ का होता है। एसएनएफ के बारे में थोड़ा एक मिनट ये बता दूँ कि दूध के अंदर क्या आप समझते हो कि जो फैट है चिकनाई है वही सब कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं। जो लोग ये मानते हैं कि दूध पोषाक बोलने का बहुत फैटी होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। दूध के अंदर जो एसएनएफ है सॉलिड नॉट फैट, उसको फुल फॉर्म है सॉलिड नॉट फैट, इसकी जो है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होती है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, तो ये जो सॉलिड्स हैं उसे हम सॉलिड नॉट फैट, फैट के अलावा जो सॉलिड, और हमारे शरीर के लिए फैट से अधिक कहीं वही तत्व उपयोगी होते हैं। इसलिए हमें केवल इस आधार पर ही दूध नहीं लेना चाहिए, जैसे अब आपकी उम्र 40 साल के ऊपर हो गई तो हम तो उन लोगों को सजेस्ट करते हैं 40 साल के ऊपर के लोग जो बहुत अधिक मेहनत नहीं करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो उन्हें बहुत अधिक फैट का मिल्क नहीं लेना चाहिए, उन्हें स्टैंडराइज मिल्क जिसकी फैट कुछ कम होती है, 4.5% उसमें फैट होती है और 8.5% एसएनएफ होता है। तो जितने भी मार्केट में मिल्क आते हैं उनमें मिनिमम सभी में 8.5% तो एसएनएफ सभी में होगा ही होगा, और वही एसएनएफ यानी सॉलिड नॉट फैट, फैट के अलावा तक वही हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो हम उसका प्रयोग करें। तो 40 साल की उम्र के बाद आप स्टैंडराइज मिल्क ले सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर्स ने मना किया है कि और कम फैट कर लीजिए तो बाज़ार में एक टोंड मिल्क के नाम से दूध आता है, उसमें फैट 3.303% फैट होती है और 8.5% एसएनएफ होता है। तो देखिए एसएनएफ उसमें भी 8.5 है, वही एसएनएफ जो एफसीएम है उसमें 9% है और बाकी जो मिल्क है उनमें 8.5% एसएनएफ सभी में होता है। डबल टोंड जो मिल्क होता है उसमें फैट होती है 1.5%। अगर डॉक्टर ने कहा कि और कम फैट का दूध लीजिए तो आप डबल टोन मिल्क ले सकते हो। तो डबल टोन मिल्क भी अगर आपकी 50, 55 और 60 के ऊपर की उम्र के लोगों को तो डबल टोन मिल्क ही लेना चाहिए। उसमें तो डबल टोन में 1.5% फैट और उसमें एक खास बात ये होती है कि उसमें एसएनएफ 9% होगा। फैट तो 1.5 मिनिमम होगा ही, और ये पीएफए है, गवर्नमेंट का एक्ट है, कोई भी पैकेट अगर सेल कर रहा है तो इससे नीचे वह नहीं दे सकता है। और यह दूध जो है दही जमाओ उसके लिए बहुत अच्छा है, जनरल की चीज़ में प्रयोग करो तो अच्छा है, शादी ब्याह काम काज बढ़ाते हैं तो उसमें आपको दही या दही बड़े बनाने हैं तो आप डबल टोंड मिल्क लीजिए, थोड़ा डबल टोंड मिल्क लीजिए, थोड़ा एफसीएम ले लीजिए और आधा आधा करके मिलाइए, तो उसका दूध जो है आपकी कॉस्ट भी कम पड़ेगी और दूध का दही बहुत सुंदर जमेगा। तो मैं इस संबंध में मैंने आपको ये दूध की शुद्ध जानकारियाँ दी हैं।